तो ग्रैंडपा अगर हो, अरे भाई भाई भाई, ओबे यार ये सस्ती सिलेंडर ना भाई, कड़ी चावल। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल तो भाई अपना गेम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये रहा भाई अपना ग्रैंडपा। और ये अपना गेम भी बहुत ज्यादा ही ऑसम होगा मुझे पता है, क्योंकि हमने इस गेम को पहले भी खेल रखा है। ओके तो भाई अभी ये लोडिंग ले रहा है। हमने भाई यहाँ पे इसके जो इंट्रो था इसे हमने स्किप कर दिया और अपना गेम डायरेक्ट ओपन होगा। और ये है अपना भाई डे वन। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इस गेम में यार। वेल तो भाई साहब अभी मैं अपनी नींद से तो उठ गया हूँ कि मुझे यहाँ पे शायद ग्रैंडपा ने मार रखा था, मतलब मार के यहाँ पे बंद बंद कर रखा, सॉरी। तो हमने यहाँ से इस लॉक पिक को उठा लिया और जिससे हम इस गेट को ओपन करेंगे और आगे का जो प्रोसेस है उसे कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब अपने गेम को परफेक्ट स्केप करेंगे, ठीक है। तो यार इसे ओपन करने में काफी टाइम लगता है फर्स्ट टाइम में। तो वेल देखते यार यहाँ पे कुछ है क्या। ओके तो इधर कुछ नहीं भाई साहब, और चलते हम नीचे हम, क्योंकि पता ना सबसे पहले हमें नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना कि हमारे जो ग्रैंडपा ग्रैनी तो ऊपर रहते हैं, बट उन्हें ना अगर हम नीचे लाएंगे तो ऐसा रहेगा हम एक तरह से चकमा देकर ऊपर जा सकते, तो एक ऐसा रहेगा ना कि हम उनसे थोड़ा बच सकते। तो भाई साहब ये जो है ट्रेन का जो अपना टीसी है, टीटी है, सॉरी टीटी है, तो वो हमें चेक करने आता भाई, इससे कि ग्रैनी को पता चलता है कि भाई हम यहाँ पे है। और मुझे पता ना इसमें भाई अपनी सस्ती सिलेंडरीना है, तो उससे बच रहना पड़ेगा, जिसका नाम हमने बहुत पहले दे रखा है भाई, छोटी कबाड़, ठीक है। तो चलो अभी चलते यार। वैसे अभी शायद ग्रैनी आ रही होगी, तो पहले उसे और नॉइज करके बुलाते। ओहो सामने ही थी, वाह भाई वाह। तो यार अपनी ग्रैनी तो आगे अपने बेसबॉल बैट के साथ, जो कि काफी ज्यादा ही खून से लगा हुआ है, और मुझे लग रहा है इसे बस खाली मैं ही चाहिए। कोई बात नहीं यार, हम देंगे इसे, लेकिन हम इसे मारेंगे, ठीक है। तो अभी ग्रैनी तो जा रही, ऐसा ना हो ग्रैंडपा आ जाए यार, क्योंकि अगर ग्रैंडपा आएगा तो तब भी प्रॉब्लम है, और ग्रैनी तो गई, कोई बात नहीं, सही है। अब देखते हैं यार कि आगे क्या होता है भाई साहब। मुझे लग रहा है ग्रैंडपा आ रहा है, तो हम थोड़ा वेट करके उसे देखते हैं। अगर वो आ रहा है तो हम छिप जाएंगे, नहीं आ रहा तो हम आगे चलेंगे, ठीक है। वैसे तो ग्रैंडपा अगर तू आ रहा है तो भाई आ जा, ठीक है। ओके ग्रैंडपा, अरे दाऊ ताऊ दद्दू काओ जल्दी आओ। नहीं ओके, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो भी आएगा, तो हम ऊपर ही चलते हैं यार, बट थोड़ा संभल के, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर अभी देखो क्या है कि इस गेम का भाई ज्यादातर हमें पता चल चुका है, कि हमने इसे पहले भी खेल रखा है। तो अब इसमें हम करेंगे भाई डोर स्केप, और हमें जो टूल्स चाहिए वो चीजें अभी ढूंढनी है। वेल तो देखते हैं अगर यहाँ पे ग्रैनी है तो ग्रैनी ग्रैनी ओके तो नहीं है, तो अभी हम यहाँ से भाग सकते। तो भाई साहब यहाँ पे पहले हमें बाहर जाना चाहिए, कि ऐसा ना सबसे पहले हमें पता है क्या ढूंढना चाहिए, सबसे पहले हमें ढूंढना चाहिए जो ये स्टोन्स होते हैं ना, पहले उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना अगर स्टोन अपने पास है तो हमें उसे दोबारा ढूंढने के लिए बाहर नहीं आना पड़ता। और अगर हमें यहाँ पे वेपन की मिल जाती है तो भाई साहब वेपन के लिए मतलब वेपन मिलेगा और सीधा धैड़ धैड़ धैड़, समझ रहे हो। तो ऐसा भाई अपना गेम धीरे धीरे कम्प्लीट होगा, बट हाँ अभी मेरे पास अभी एक स्टोन है और बाकी दो और ढूंढते हैं। उसके बाद देखते हैं अपना ग्रैंडपा ग्रैनी आएगी तो थोड़ा बच के जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास अभी शॉर्ट गन नहीं है ना, सॉरी शॉर्ट गन तो भाई ग्रैंडपा के पास रहता है। ओके वेपन नहीं है, तो वेपन अपने आपको ढूंढना है भाई। तो अपना वेपन कहाँ होगा भाई साहब, सॉरी वेपन की ढूंढनी है यार, जब भी तो वेपन मिलेगा, मैं भी क्या बोल रहा हूँ भाई साहब। ओके तो मेरा दोस्त अभी यार मुझे कोई और स्टोन्स नहीं मिल रहे, हाँ एक और मिल गया भाई, दिख गया। तो पहले हम इसको भी उठाते हैं। ओके तो फाइनली हाँ दो मिल चुके, अब तीसरे की बारी है भाई अपना ग्रैंडपा ग्रैनी साथ। ओहो तो यहाँ भाई ये रहा प्लैंक, तो हमें पता चल गया प्लैंक, सॉरी प्लैंक कहाँ है, तो प्लैंक भाई छत के ऊपर है और यहाँ पे जो है इसका कोई काम नहीं है। मुझे लग रहा है अंदर जाना पड़ेगा, बट देखते अगर ग्रैंडपा ग्रैनी अगर आ रही है तो थोड़ा देखना पड़ेगा, उनसे बच के रहना पड़ेगा। तो अभी आ रहे हो क्या ग्रैंडपा ग्रैनी, कोई नहीं आ रहा भाई साहब, तो वेल कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी हमें बचना है तो बचे रहेंगे। वेल इधर देखते हैं, अरे ग्रैंडपा, ओ भाई साहब सीधा सामने भाई गन, भाई साहब गोली मार रहा है, वाह भाई वाह। कोई बात नहीं, बचना पड़ेगा, उसे भरना पड़ेगा। ओह तो एक और यहाँ पे स्टोन हमें मिल चुका है भाई, तो पहले यार इससे भी उठाते दोस्त। और मुझे लग रहा है ग्रैंडपा मेरे पीछे पड़ा है एक बार देखे क्या। तो ग्रैंडपा अगर हो, अरे भाई भाई भाई, ओबे यार ये सस्ती सिलेंडर ना भाई, कड़ी चावल खाने वाली सस्ती सिलेंडर, छोड़ दे छोड़ दे। अरे भाई साहब, अरे यार इससे ज्यादा खतरनाक तो कोई है ही नहीं, मैं ग्रैंडपा को भी नहीं मानता। तो पता नहीं क्यों यार ये आती है तो भाई पूरा फ्रीज कर देती है, मेरे गेम की क्या लग जाती है समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी नहीं।
पहले बात ये, अभी ग्रैंडपा को तो मारोगे, पहले सस्ती स्लेंडरिना को हमें निपटाना पड़ेगा भाई। तो पहले इसे ओपन करते दोस्त। तो हाँ, अपने पास ये लॉकिंग पहले से था, तो इसे जल्दी अब जल्दी ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अभी हमें सीधे चलना पड़ेगा ऊपर, नीचे जाने का बेकार ही मैटर होगा। तो अभी देखता हूँ, अगर अपनी जो सस्ती स्लेंडरिना या फिर कड़ी चावल खाने वाली वही है जिसका नाम है छोटी कबाड़न रखा था भाई, और वो उस पर सूट भी करता है, मतलब फिट भी बैठता है छोटी कबाड़न। ओहो भाई साहब, क्या बात है, ग्रहणी जा रही है, वाह वाह वाह, जान दो, कोई बात नहीं। वेल, ग्रहणी जा रही तो चली जा, पर पीछे मुड़ के मत आइयो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो कुछ है क्या, नहीं है भाई साहब, मुझे लग रहा है ग्रैंडपा अगर आस पास होगा तो सीन बैठ सकता है। वेल, अभी देखते हैं, शायद इन सारे ड्रॉवर्स में कुछ हो, तो इसमें है क्या कुछ। ओके, तो हमें यहाँ पे फ्यूज मिल चुका है यार, और इस फ्यूज का मुझे लगाना है। अरे भाई, ग्रैनी ग्रैनी ग्रैनी, अरे यार ये ग्रैनी कहाँ से आ गई, ओ भाई साहब पलट गई, मैंने बोला था ना पीछे मुड़ के मत देखियो, अब आ रही तो कोई कुछ भी नहीं कर सकते हम। वेल, तो कोई बात नहीं यार, आप आने दो उसे, अभी देखते यार, अभी यहाँ पे कोई दिख रहा नहीं, तो वह ग्रैनी शायद ना आगे से चली गई, उसे हम सामने दिखे।